याद रहेगा जब तक आईपीएल चलेगा कि भाई 261 का टारगेट भाई किसी ने चेज करके दिखाया था, और वो भी किसने, दो सिंगों ने, सिर्फ दो सिंगों ने, और एक सिंगों ने कहा होगा कि कह देना दो सिंह आए थे बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई बता देना कि सिर्फ दो सिंह थे जिन्होंने भाई मेला लूट के दिखाया है, और वो भी वो प्लेयर भाई जिसको गलती से खरीदा गया है, और वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है जो कि करोड़ों 100 करोड़ से भी ज्यादा मेरे हाल में अगर उसको परचेज करते तो उसके लिए कम था ये शासन सिंह। देखे 179 का टारगेट कल पाकिस्तान ने चेज नहीं किया, शर्मनाक बात है हमारे लिए, ठीक है। उधर देखे 262 लग रहा है तो चेज भी हो रहा है। बात करें मेरे ख्याल में आज जॉनी ब्रिस्टो जा गया, इंडियन प्लेयर जा गया, पाकिस्तानी अभी सो रहे हैं, तो खुदा का वास्ता यार ये वर्ल्ड कप के अंदर जाके जाग जाए, ठीक है। न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए, प्रताप सिंह आउट ना होता, 20 गेंदों पे अगला 55 करके बैठा हुआ था, ये वो रन आउट ना होता, तुझे हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी कर लेनी थी, उससे मिस्टेक गलती होगी, वो आउट हो, रन आउट हो गया। किस्मत अच्छी केकेआर की, बट यार आउटस्टैंडिंग पंजाबियों ने जो कर दिया ना, मजा आ गया। दो सिंह थे और दो सिंगों ने भाई 261 रन, हिस्ट्री का सबसे बड़ा भाई टारगेट, हमें नामुमकिन था, नामुमकिन, अनबिलीवेबल, और जो आज उन्होंने चेज करके दिखा दी, उन्होंने मारे मुंह पे तमाचा मार दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बात की जाए आज आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज कर लिया, वो भी पंजाब की टीम ने, केकेआर जो कि यानी कि टॉप ऑफ द टेबल टीम है उसको मैच हरा दिया है, क्या कहेंगे, 262 चेज कर लिया, इतने भैया दो सिंह आए हैं और आगे छा आ गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? यार मजा आया ना, शाहरुख वर्सेस प्रीति जिंटा, आप देखे ना, मतलब दोनों टॉप क्लास के सुपरस्टार है और दोनों ने रगड़ा दिया, तगड़ा रखे के, मतलब कहीं से भी माफी किसी ने नहीं दी, किस, दोनों ने माफी नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं मैंने जीतना, उसने कहा मैंने जीतना, फाइनली यार एक आधा बंदा जीतता होता है, और उन्होंने वाकई जीत के दिखाया, ठीक है। मतलब देखे 262 का टारगेट चेज होना, ठीक है, हम ये आईपीएल के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है, और आईपीएल के अंदर यार ये हुसन तो है ना उनका, आज देखे बॉलर को रगड़ा लगा दोनों तरफ से, ठीक है, मतलब अगर पंजाब ने 262 चेज किया तो लगा भी इन्हीं को है 261, आप ये बात नोट करें, ठीक है, अठारह ओवरों के अंदर चेज किया है, अगर आप आज देखे इनके सामने सनराइज हैदराबाद होती, ठीक है, तो 287 चेज था, आज मजा आना था जब पंजाब के मतलब गब्बर ने आके चेज करना था ना, उस वक्त मजा आना था, लेकिन मतलब दोनों तरफ से मैं परफॉर्मेंस की दाद दूंगा बैटिंग साइड को, ठीक है, बॉलर दोनों नहीं चले तो यार ये एक मतलब शर्मनाक बात है दोनों के लिए। सुनील नारायण का आज बड़ा अच्छा दिन था, हालांकि उसकी टीम हार गई, ठीक है, लेकिन देखे उसने 70+ स्कोर किए, एक रन आउट हुआ उसने किया, एक विकेट ली गई सिर्फ पंजाब की, ठीक है, वो भी उसने ली, ठीक है, अगर वो ना लेते ये जीरो के ऊपर, मतलब जीरो आउट के ऊपर ये चेज था सारा। देखिए अगर यही दोनों सिंह आगे आईपीएल के बाद इनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर मौका मिलता है तो क्या 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 सब टीमों को डरना चाहिए, ओवरऑल जब भी इनकी परफॉर्मेंस आई है मजा आया देख के। नो डाउट यार पंजाब के पास जैसी की बैटिंग है ना, यकीन मानें इतने एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स नहीं है जितने के, हालांकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कहा गया था कि यार हम लोग गलती से ले लिए थे, और वही प्लेयर्स ना इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यकीन माने कि पता ही नहीं था ये वो प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट यही है कि मैं BCCI ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको आने वाले वक्तों में, दोनों सिंह आने वाले वक्तों में ना इतना आगे लेके जाए, बट ये आपको पता है यार थोड़ा तो पुड़को अंडा होता है कि सिंगों को ना थोड़ा नीचे रखा जाता है, बट यही है कि BCCI को यही कहूंगा यार ऐसे प्लेयर को ना बाइट ना बिठाना, बाइट बिठाओगे तो आप नकाती करोगे, यकीन में ऐसे प्लेयर आपको कभी नहीं मिलने, यकीन मान ऐसे हीरे ना बहुत कम मिलते होते हैं, जैसे कि आपको आईपीएल में जैसे जैसे हर मैच में हर टीम में से ना यार नया से नया हीरा मिल रहा है। क्या कहेंगे जैसे यार जोनी ने आज यानी कि बैटिंग किया, सारे देखे परेशान से यार जोनी छाया हुआ है, पूरे मैचेस में चला नहीं, आज चला है, और आईपीएल के अंदर, इस आईपीएल के अंदर हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे वही अपने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो ये आईपीएल जो है ना इस बार का जो आईपीएल है मेरे हाल में जितने पीछे आईपीएल हो चुके हैं सबसे बेहतरीन आईपीएल ये है, और ये आईपीएल की खूबसूरती है जो उन्होंने आज करके दिखाया है। आज प्रीति जिंटा भाई केकेआर के पास जो शाहरुख खान के पास जाएगी, हाँ भाई ठीक ठाक है आप खैर करिए, आज हाल अहवाल पूछे क्योंकि भाई उनके खिलाफ ये हिस्ट्री बनी है, और जब तक ये आईपीएल रहेगा उन्हीं के खिलाफ ये नाम लिखा जाएगा, भाई केकेआर ने ये चेज करवा दिया था, ये केकेआर की जो है वो अहमियत थी, ये केकेआर के प्लेयर थे, आज तो स्टार्क भी होता जो चेज हो जाना था, तो भाई आज केकेआर को उन्होंने डेड कर दिया, बेशक केकेआर दूसरे नंबर पे पॉइंट टेबल पे और ये 8वें नंबर पे, लेकिन भाई ये आज उन्होंने वो पॉइंट टेबल के ऊपर जो पहले नंबर पे उस जैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। देखो ना कि पाकिस्तान की टीम अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान का मैच देखा होगा, 179 का इनको टारगेट दिया था न्यूजीलैंड, क्योंकि ये चेज नहीं कर पाए, इधर 262 चेज हो गया, ये हो गया ना आइडिया की इधर, और पाकिस्तान के देखिए इधर भी T20 उधर भी T20।
पाकिस्तान के अंदर तो T20 नहीं है, हम तो T10 का टारगेट 20 के अंदर जाके चेज करते हैं, वो भी नाकाम हो जाते हैं। जागा यार पंजाबी जीते हैं, मजा आया। ठीक है, ऊपर से शशांक सिंह, अभी तो आशुतोष की बारी नहीं आई, बारी कहाँ से आनी थी जब आउट ही नहीं कर रहे यार तुम लोग, किसी ने आके आउट ही नहीं किया। दो सिर्फ पंजाब के आउट हुए, हाँ मतलब एक आउट हुआ और दूसरा रन आउट हुआ। ठीक है, मतलब उसी के ऊपर जाके देखे 262 का टारगेट चेज होना T20 के अंदर। T20 में जब आप इतना बड़ा टारगेट देते हो, हम मानते हैं 7 विकेट गिरी है उनकी, मतलब KKR की। ठीक है, हम मानते हैं यार सब ने धोया आके, एक आधा टिक गया, इतना टारगेट बन गया। ठीक है यार, क्या माइंडसेट है इनका, देखे मतलब आके इतना बड़ा टारगेट चेज कर दिया 2 विकेटों के नुकसान पे, मजा तो आया वैसे यार। अखीर कर दिया इतने बड़े प्लेयर्स, KKR के बाद मोस्ट फेवरेट बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, इतने महंगे प्लेयर भी हैं। आज बड़े प्लेयरों को उन्होंने ना पूरा ढेर करके 262 IPL का हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस करा दिया। हालांकि है नहीं था कि ये चेज होने वाला, यार मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि पता ही नहीं था कि ये चेज नहीं होगा, जितना बड़ा स्कोर कर दिया था ना KKR ने। मैं तो ये देखा यार भाई ये तो मैक्सिमम 150 भी नहीं टपेंगे यार, वो तो यार 8 ओवरों में 130 करके बैठे हुए थे, मैं को यार ये क्या कर रहे हैं। और भाई उन्होंने तो 12 ओवरों में 200 कुछ कर लिया था, उन्होंने तो मार बांदर कर दिया। यकीन मान प्रताप सिंह ने जैसे की बैटिंग किया ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, 20 गेंदों पे 55 स्कोर। उसके बाद सुशांत सिंह ने जो जिस तरह की बैटिंग किया, मजा आ गया। यकीन माने मैं कहता हूँ यार इन सिंगों ने आज पूरे पंजाबियों को ना पूरा सिंग इस ब्लिंक कर दिया है, मजा आ गया उनकी बैटिंग देखने का। सर IPL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज आज नजर आया है, और सिर्फ सिंह ही कर सकते हैं भाई, जो सिंगों के अंदर पावर थी आज नजर आ गई, आज पावर उन्होंने दिखा दी है भाई, कि भाई जो सिंह है ना वो भाई किंग ही मानना पड़ेगा उनको, भाई ये होती है पावर भाई सिंगों की। दो सिंह थे और दो सिंगों ने भाई 261 रन, हिस्ट्री का सबसे बड़ा भाई टारगेट, हमें नामुमकिन था, नामुमकिन अनबिलीवेबल। और जो आज उन्होंने चेज करके दिखा दी, उन्होंने हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया कि भाई तुम क्या सोच रहे हो कि 261 चेज नहीं हो सकता हिस्ट्री के अंदर, ये कर सकते हैं और ये सिंग करके दिखाएंगे, और उन्होंने आज करके दिखाया। और आज जो पीटी जंटा खुश थी यार इतना बड़ा, उन्होंने कहा ठीक है हम फाइनल में जाए ना जाए लेकिन इस IPL के अंदर हम हिस्ट्री लिख के जाएंगे। ये ना कि KKR ने जैसे आई परफॉर्म किया, उन्होंने भी काफी अच्छा टारगेट दिया था, लेकिन पंजाब ने उनके हालत से मैच खींच लिया। और यार खेक परफॉर्मेंस है यार, यकीन माने बैटिंग तो नो डाउट अच्छी बैटिंग की है, ठीक है ना, बैटिंग KKR ने नो डाउट बैटिंग अच्छी की है, बैटिंग पे नहीं बात आती, सारी बात आती है बॉलिंग पे भी। आप बॉलिंग कैसी कर रहे हो, आपको पता है यार अगली टीम हमारे सामने थोड़ी सी लो है, ठीक है, आपके पास तो बॉलिंग तगड़ी है, हर बॉलिंग आपके पास इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी है, तो कहाँ गई आपकी बॉलिंग। आप मैं तो यार ये हैरान हूँ और खुशी हैरान हो रहा हूँ, आज अगर स्टार को तो इन्होंने तो 15 ओवर में चेज करवाने था, पूरी IPL में हिस्ट्री उठा के दे लो, पहले IPL से लेके अब तक के मैच देख लो IPL में, स्टार को हमेशा पर है 4 ओवरों में इसको 80 पर है, आज होता तो यार मैं कहता हूँ 14-15 ओवरों में उसने चेस करवा देना था, जितना वो मार खा रहा है। इतना बड़ा प्लेयर 24 करोड़ का लेने का क्या फायदा यार। हालांकि यार मैं यही कहूंगा इंडियंस को, ठीक है, जैसे इन्होंने इतने इतने बड़े घोड़े खरीदे हैं, यही अपने प्लेयर्स खरीदे हैं यार, प्रताप सिंह खरीद लेते, ठीक है ना, सुशांत सिंह खरीद लेते, ये 15-15, 20-20 लाख रुपए खरीदे, 24 करोड़ वाला आपको कुछ नहीं करके दे रहा, ठीक है, 15-15, 20-20 लाख रुपए आपको इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग के छक्के मार रहे सिंह, मैच जिता रहे हैं। मैं कहता हूं सिंह IPL में हिस्ट्री में पहले मैच उठा के देख लो, और अब तक देख लो इंडियन प्लेयर ही उठे हैं, कौन सा घोड़ा उठा है, ट्रेविस हेड उठा है, ठीक है, कल के मैच में क्या दिया, छनकना किया, ठीक है, उसके पहले क्या, कौन सा घोड़ा चला है, कोई भी नहीं चला, सिर्फ आज बड़ा मैं इतना कहूंगा वीर जारा ना, जारा ले गई है वीर को, पाकिस्तान की टीम 179 का जो टारगेट है वो इसे चेज नहीं हो रहा, इधर से IPL के अंदर 262 लग रहा है और 262 चेज भी हो रहा है, और इंडिया के प्लेयर चेज करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में यार, इंडिया के प्लेयर वाकई चेज करवा रहे हैं। हम देखें 179 का टारगेट कल पाकिस्तान ने चेज नहीं किया, शर्मनाक बात है हमारे लिए, ठीक है, उधर देखे 262 लग रहा है तो चेज भी हो रहा है, मैं पता क्या समझ रहा हूँ, मतलब IPL आज जी IPL में जो 262 लग रहा है और देखे चेज भी हो रहा है, ठीक है, ऊपर से बात करें मेरे ख्याल में आज जॉनी ब्रिस्टो जाग गया, इंडियन प्लेयर जाग गया, पाकिस्तानी अभी सो रहे हैं, तो खुदा का वास्ता यार ये वर्ल्ड कप के अंदर जाके जाग जाए, ठीक है, न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए, और जो गोल्डन अल्फाज से वो जो हिस्ट्री लिख के गए ना ये पूरी IPL के अंदर याद रहेगा जब तक IPL चलेगा, कि भाई 261 का टारगेट भाई किसी ने चेज करके दिखाया था, और वो भी किसने
दो सिंगों ने, सिर्फ दो सिंगों ने, और एक सिंह ने कहा होगा कि कह देना दो सिंह आए थे बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई बता देना कि सिर्फ दो सिंह थे जिन्होंने भाई मेला लूट के दिखाया है, और वो भी वो प्लेयर भाई जिसको गलती से खरीदा गया है, और वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है जो कि करोड़ों 100 करोड़ से भी ज्यादा मेरे हाल में अगर उसको परचेज करते तो उसके लिए कम था ये। कौन? शासन सिंह, उसके लिए पैसे कम थे ये। भाई देखो 261 का टारगेट, भाई वो बंदा 2 ओवर पहले चेज करवा के जा रहा है, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो, इससे बड़ा प्लेयर क्या हो? कभी आपने आईपीएल कब से शुरू हुआ कभी आपने देखे इतना बड़ा कभी चेज हुआ नहीं? आज देखिए किसने करवाया, शासन सिंह ने ये मुमकिन करके दिखाया, जॉनी बेयरस्टो ने मुमकिन करके दिखाया, प्रभ सिमरन सिंह ने मुमकिन करके दिखाया, दो सिमरन थे जो पूरे मैच का पासा पलट के ले गए, और यही आईपीएल है, यही आईपीएल की खूबसूरती। प्रभ सिंह आउट ना होता, 20 गेंदों पे अगला 55 करके बैठा हुआ था, ये वो रन आउट ना होता तो उसने हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी कर लेनी थी, उससे मिस्टेक गलती होगी वो आउट हो गया, रन आउट हो गया। किस्मत अच्छी KKR की, बट यार आउटस्टैंडिंग पंजाबियों ने जो कर दिया ना,